हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद से नाम वर्सेस। तो गाइस आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट जीडीपी फ्रॉम 1980 टू 2027। आई मीन 1980 से 2027, मतलब क्या था 1980 से लेकर 2027 तक हम देखेंगे कौन सी कंट्री टॉप 10 में रही है। आज भारत, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की पांचवी है और जल्द आने वाले टाइम पे तीसरी भी बन जाएगा। लेकिन क्या प्रोजेक्शन के हिसाब से कौन 1980 से लेकर 2027 तक कौन सी 10 कंट्री रही है, भारत का कौन सा स्थान रहा है, 1980 में क्या स्थान था, 2027 में क्या होगा, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कानून करते हैं अमेरिका एज यूजुअल सबसे आगे, फिर जापान था 1980 में टॉप 10 में था अर्जेंटीना, आज डिफॉल्ट कर चुका है अर्जेंटीना। हां, वो नीचे चला गया। इंडिया 1991 में 10वें नंबर पे था, 9वें नंबर पे 32 पे था, मतलब इंडिया टॉप 10 में भी उस टाइम नहीं था शुरू में 80s में। हां, 200 बिलियन डॉलर जीडीपी थी भारत की। हां, कनाडा को दे, फिर इटली को दे, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, जापान दूसरे पे था और जर्मनी तीसरे पे था। जापान एक बार गया था, फिर अमेरिका ने पंगे डाले थे। देखो उस टाइम भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास गया था जापान, और आज 5 से भी कम है उसकी। अभी जापान की जीडीपी को देखना भाई, इस टाइम 1997 में जब कोई टॉप 10 से निकल गया, इंडिया फिर निकल गया। अब जापान की भाई जीडीपी को देखना एकदम फिर गिरी थी, क्योंकि जाहिर बात है वो कहते हैं उस टाइम 3 ट्रिलियन से ऊपर था इंडस्ट्री से। अमेरिका ने कंडे डाले थे, फिर वो गिर गया था भाई। रशिया आ गया भाई 1990 में, रशिया आ गया। इंडिया टॉप 10 में ही नहीं है, नहीं है 1990 तक तो नहीं है। चाइना आया, चाइना की भी ग्रोथ देखने वाली है यार, देखने वाली है वाकई। वो देखो जापान को देखो भाई, कैसा क्या 1990 फिर वो एक तरह से बनने लगा था, लेकिन फिर पंगे डाले और वो बेचारा गिर गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई थी, और अभी इससे भी कम है उसकी। लोग बूढ़े हो रहे हैं ना भाई, उस टाइम यूथ बहुत था उसके बाद। देखो 5.5 ट्रिलियन यहाँ से गिरता है। 1995 की बात, इंडिया टॉप 5-10 में भी नहीं है। कनाडा, स्पेन, ब्राजील जैसे देशों से कम थी भारत की जीडीपी। 1996 तक देखो टॉप 10 में भी नहीं था, इन जैसे देशों से कम थी भाई जीडीपी। चाइना भी इतना आगे नहीं था यार 2000 तक। चाइना 2010 के 2005 के 6 के बाद सही गया आगे। देखो 2004 मेक्सिको भी आ गया, स्पेन भी गिर गया, फिर ब्राजील आ गया। भारत तो लिस्ट में ही नहीं है, चाइना आगे जा रहा है हल्का हल्का। यूरोप का टाइम था वो काफी। हाँ भाई, देखो जापान कम हो रहा है भाई। जापान को बहुत सारा काम चाइना ने किया है, काम चाइना ने भी किया और अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज उसको चाइना ने बहुत काम छोड़ा है। चाइना को 2 ट्रिलियन, चाइना 2005 के बाद उसे इंडिया टॉप 10 में है ही नहीं, 2005 चल पड़ा, अभी भी नहीं आया। उस टाइम आया था थोड़ा सा, बिल्कुल 1980s में। जापान, चाइना तीसरे पे हो गया भाई, और 2005 के बाद कैसी स्पीड पकड़ी है। इंडिया में रामू दो हजार दस में नौवे नंबर पे चाइना भी आगे गया। इंडिया फिर 10वें पे चला गया, यानी 2010 के बाद चाइना ने सही बूस्ट मारा। 10वें पे 2011 में था इंडिया, फिर निकल गया, फिर 2012 में आ गया, मतलब इंडिया 2014 के बाद इंडिया की ग्रोथ देखना भाई। भाई देखने वाले 2014 के बाद ग्रोथ देखना, 2013 में भाई इंडिया, अभी 14 के बाद इंडिया के 2014 में इंडिया जाना चेक कर ऊपर 7वें पे, 14 भी छठे पे चला गया, फिर 15 में भी छठे में था, 16 में भी छठे पे था, 17 में 7वें पे था, आपका छठे पे हुआ, अब छठे पे हुआ, 17 में छठे पे था, 7वें फिर चला गया, 18 में इंडिया फिर छठे पे आया।
20 आएगा छठे पे, ये 21 में पांच पे हो गया, पांच पे हो गया था। फिर मेरे ख्याल से गया था, यूके आ गया था, फिर यूके ऊपर चला गया था 22 में एक जगह पे। हाँ थोड़ी टाइम के लिए था, अब तो इंडिया बस आ गई है, 23 हो गया, अब वहाँ पांच पे भी है। चाइना 20 ट्रिलियन पे चला गया तकरीबन, ये 24 अभी चल रहा है, अभी पांच पे भारत, ये 25 पे चौथे पे हो जाएगा, 25 हाँ लाख भी जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, 27 तक कहते हैं जापान को पीछे छोड़, हाँ ये 26 पे छोड़, 26 पे छोड़ देगा, आईएमएफ की प्रोजेक्शन है 26 पे छोड़ देगा, और 27 में इंडिया 5.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और चाइना 26 की और 30 की हो जाएगा, जापान चौथे पे चला जाएगा, जर्मनी पांच, ईरान आ जाएगा 10वें पे 2027 तक। यार ईरान का भाई वो समझ नहीं आ रही, उन्होंने 1.7 ट्रिलियन की बताई हुई है, उनका जीडीपी देखा था, उन्होंने विकिपीडिया पे शो किया था 500-550 बिलियन डॉलर। हाँ। अब ये कौन सा उनके अंदर से खजाना निकला है जो आज 2023 में उनकी 1.7 ट्रिलियन डॉलर लिखी हुई है, कोई उसके अमीर ने अंदर से खजाने निकाले हैं क्या, जो इतना बताई भी है इतनी नहीं है उनकी। अब इसकी तरफ आते हैं, इंडिया टॉप 10 में मतलब 80s में आया था, फिर उसके बाद कहीं जाके 2009 में फिर टॉप 10, 2010 में, हाँ 2010 में फिर 2010 में टॉप 10 में आया तकरीबन, मतलब 80 के बाद मतलब इंडिया के बहुत हालात खराब, 2014 80s के बाद इंडिया के हालात खराब थे, और 14 के बाद डायरेक्ट पांच छठे, फिर इस तरह फिर पांचवे, और 27 में जाके सीधा गोल्ड कंट्री 1991 में तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर रह गया था ना इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व, और आज देख लो 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, मतलब आप यही देख लो कि 30-32 साल में इंडिया कहाँ पर चला गया। मजे की बात, अपनी इकोनॉमी पहले दुनिया ने देखी है चाइना की ग्रोथ, देख रही है इंडिया, पहले इंडिया ने पहले दुनिया देखी अमेरिका की, फिर जापान की ग्रोथ देखी, फिर उसके बाद चाइना आ गया, फिर चाइना, लेकिन चाइना के बाद अब इंडिया, अब इंडिया की ग्रोथ देख रही है, और असल अभी जो चाइना समझ रहे हैं ना इंडिया को, उसकी मेन वजह भी यही है कि चाइना को पता लग गया खुशक मेसी ने टक्कर देनी है, टक्कर भी देनी है, दूसरी बात ये है कि चाइना को ये भी पता है कि अभी उसकी जो है ना यूथ बूढ़ी होती जा रही है, और उन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी रखी थी उसे वो काम खराब कर दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, अभी उधर जो है ना प्रॉब्लम ये चल, जापान को बूढ़ी पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन, इंडिया के पास 70% यंग जनरेशन है, जापान क्रॉस कर देगा, मतलब तीसरे नंबर पे।